भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मान ली और एशिया कप खेलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है कि जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजवीज़ मान ली है। हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे और बकिया मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक अभी न्यूट्रल वेन्यू का फैसला नहीं हो सका है, ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने के लिए रजामंद हो जाएगा एक शर्त के मुताबिक, और आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप खेलने के लिए तैयार हो गया है न्यूट्रल वेन्यू पर। हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ मानते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये शर्त रखी है कि पाकिस्तान को यकीन दहानी करानी होगी कि इसी मरतबा होने वाले ICC ODI वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत में शिरकत करनी होगी। हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत अपने एशिया कप के मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और न्यूट्रल वेन्यू UAE या श्रीलंका हो सकता है। वाज़ह रहे ICC ODI वर्ल्ड कप इसी साल खेला जाएगा, मगर वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप खेला जाएगा जो कि पाकिस्तान के पास मेज़बानी है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था और जवाब में पाकिस्तान ने भी करारा जवाब दिया और वर्ल्ड कप में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ पेश किए जाने पर दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान बातचीत जारी है। दोस्तों, मज़ीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।